This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So welcome back to our channel. तो चलिए हम पहले 16 सितंबर 2020 के लिए जो मैंने आपको कॉल दी थी उनका रिव्यू कर लेंगे. उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि 17 सितंबर 2020 के लिए कौन से स्टॉक बेटर रहेंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा. मॉर्निंग में मैं दो कॉल्स वहीं प्रोवाइड करता हूं, तो आप मिस मत कीजिएगा. जैसे कि मैंने पहली दो कॉल्स जो थी आपको दी थी यूट्यूब पे, जिसमें हमारा दोनों का टारगेट ईजिली अचीव हो गए थे, और जो हमारी इंडसइंड बैंक और आईजीएल थी वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दी थी. तो टेलीग्राम चैनल के स्टॉक्स के भी जो है हमारे टारगेट अचीव हो गए थे. तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे स्टॉक्स के लेवल मिल जाएंगे. बाकी हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं इन दोनों पहले दो के स्टॉक लेवल. देखिए ग्रेसिम का मैं आपको बता देता हूँ. ग्रेसिम जैसे मैंने कल कहा था कि अगर गैप फिल कैसे होगा, एक मिनट का होल्ड लेगा, तो ये देखिए ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है यही था इसका बाइंग पॉइंट. तो यहाँ पे आने के बाद इसने हल्का सा होल्ड लिया, अप एंड डाउन किया, उसके बाद ऊपर बढ़ गया. अगर आप यहाँ पे बाय कर पाए होंगे तो इजिली आपके सारे टारगेट प्राइस अचीव हो गए थे. मोस्टली जो भी मेरे पेड क्लाइंट्स थे उन्होंने कर ली थी, तो उनका ग्रेसिम में प्रॉफिट हुआ. बाकी सब्सक्राइबर्स की कॉल आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा. जो भी कॉल्स थी हमारे, जो भी लेवल्स थे, आप चेक कर सकते हैं. आप हम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. तो देखिए बाकी तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इजीली शॉर्ट सेलिंग साइट के टारगेट अचीव हुए हैं. जो भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने कॉल दी थी 17 सितंबर की, मैं बात कर लूँ 17 सितंबर की कॉल पहली जो है वो है बजाज इलेक्ट्रिक की. बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा 514 का लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा 514.10 जब स्टॉक की प्राइस हो जाएगी तब आप इसे बाय कर लेंगे. टारगेट रहेगा 516. पहला टारगेट प्राइस छोटा, देखिए छोटा इसलिए अगर स्टॉक गैप डाउन भी ओपन होता है तो एक बूस्ट अप लेगा वो, जो कि 16 तक इजीली पहुंच जाएगा. तो आपका छोटा सा प्रॉफिट होगा पर होगा जरूर अगर गैप डाउन ओपन होता है. अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो भी मतलब ये गैप रिफिल करके आप क्या करेंगे, एक बात ये भी सुन लीजिए, अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है आप क्या करेंगे, वेट करेंगे 10 एम तक उसके गैप फिल होने का. गैप फिल कैसे होगा, बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में एक मिनट का कहीं पे भी होल्ड लेगा, मतलब कि इन दोनों प्राइस के बीच में वो अप एंड डाउन करेगा एक मिनट तक, उसके बाद ऊपर चल जाएगा तब आप उसे बाय कर सकते हैं इजीली. अगर गैप अप ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है तो फिर आप शॉर्ट सेल करने के लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी. बाय करने के लिए तो आप इजीली कर सकते हैं अगर कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ रहा है, और वैसे गैप अप ओपन में शॉर्ट सेल कर सकते हैं इजीली अगर कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, उसमें होल्ड लेने की जरूरत नहीं है. बस आपको गैप अप ओपन होने के बाद बाय के लिए और गैप डाउन ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको होल्ड स्टॉक का होल्ड लेना बहुत जरूरी है. तो टारगेट रहेगा इसमें 1516 का, 1522 और सॉरी 516 का, 516 का, 522 और 528 का. स्टॉप लॉस रहेगा 510.50. अब 0.50 का क्या मतलब है, 510.50 से जब नीचे जाने लगेगा स्टॉक तब आप कैसे लिट मानेंगे आप और ट्रेड से भारेंगे. वहीं शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी 510 की, टारगेट रहेगा 508, 502 और 498 का. स्टॉप लॉस रहेगा 513.50. अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा, 513.50 से स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा बढ़ने लगेगी तब आप ट्रेड से भारेंगे. एग्जैक्टली जो फिगर है इस पर बाय भी नहीं करना है और स्टॉप लॉस पर निकलना भी नहीं है. एग्जैक्टली इस फिगर पर शॉर्ट सेल भी नहीं करना है और इस फिगर पर एसएल हिट मानना भी नहीं, मतलब इससे थोड़ा नीचे अगर स्टॉक ऊपर जाने लगेगा इस पॉइंट से तब आप अपना इसे लिट मानेंगे. अगला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल, जिसे आप बाय करके चलेंगे 373 पे. देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, वहाँ पे मॉर्निंग में मैं कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ. टारगेट की बात करूँ तो 7375 की पहला टारगेट रहेगा एज यूजल छोटा, उसके बाद बड़े बड़े टारगेट ताकि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कर सको, यहाँ से 370 से 375 पे रख के 380 और 385 का वेट कर सको. तो टारगेट तो मैंने आपको बता दिया, स्टॉप लॉस रहेगा 370 का. शॉर्ट सेलिंग प्राइस 369 की, टारगेट रहेगा 367, 362, 358, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 372 का. ध्यान रखेंगे कि जब भी आप ट्रेड पुट करेंगे अपना कंसंट्रेशन ट्रेड पे रखेंगे, वॉल्यूम देखना आपका जरूरी है. वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट हमारे अचीव होंगे. डिस्प्ले में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और डिस्प्ले में हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल रहा होगा आपको और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. आप वहाँ जाके हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाके आप प्लान कोई भी खरीद सकते हैं, और आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई भी हमारा प्लान खरीदना होगा. तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ. इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी.